आज हम रेसिपी नहीं बना रहे हैं, पर आज हमारे पापा को 7 दिन हो गए हैं, वो अपने घर जा रहे हैं, तो आज उनकी विदाई है। तो हम इसलिए हम आज वीडियो बना रहे हैं कि आपको कैसे लगेगा आप बताइए, क्योंकि किस तरह से घर में ही आप अच्छी तरह से विदाई उसके कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आप विदाई करते हो तो पापा को थोड़ा सा हिलाना होता है। उसके पहले क्या करते हैं कि चावल, अक्षत और फूल या फूल की जो पंखुड़ी होती है वो लेते हैं और उसके गठन पापा के पाँव के पास रखते हैं और तब उनके जाने के लिए हम अनुमति देते हैं। और उसके साथ ही हमने जो गलती की है या कुछ भूल से भी गलती हो गई तो उसकी हम माफ़ी मांगते हैं और उनको अगले साल जल्दी आने के लिए हम कहते हैं। और साथ में ही जब हम गणपति पापा को जिस स्थान से उठा के हम पूरा घर घुमाते हैं और किस डायरेक्शन में हम बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि अभी हम घर में कर रहे हैं, अगर बाहर जाते हैं तो वो अलग बात होती है, पर घर में करते हैं तो किस डायरेक्शन में जाते हैं। और पूरा साल गणपति पापा की एनर्जी, गणपति पापा हमारे साथ रहे तो किस तरह से हम किस एंगल से घुमाते हैं, किस तरह से करते हैं, वो मैं आपको रिसर्च पूरा बता दी, जितना हो सकता है मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूँगी। पूरे 7 दिन हम भगवान को नए नए पकवान बना के खिलाते हैं, पर जब विसर्जन करते हैं तब उनके साथ हम दही चावल मिश्री में घोल के उनके साथ देते हैं। जैसे कि हम किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो दही और चावल, दही और शक्कर सबको देते हैं, वैसे ही हम पापा को जब जाते हैं विसर्जन के लिए तब उनके साथ दही और चावल मिश्री के साथ घोल के उनके साथ प्रसादी दी जाती है। गणपति बाप्पा मोरया।
नाहवा ये ले आओ गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा बोलिया गणपति बाप्पा बोलिया गणपति बाप्पा बोलिया अरे नाना ने आलो नाना पकड़ो गणपति बाप्पा बोलिया गणपति बाप्पा बोलिया गणपति बाप्पा बोलिया गणपती बाप्पा बोलिया गणपती बाप्पा बोलिया गणपती बाप्पा बोलिया हमें काय वांदो नाही नके दो चलो भाई गपन बाप्पा ने उसको बाप्पा चलो छे तू ताजे ते एडिट करी दे गणपती बाप्पा बोलिया गणपति बाप्पा हॉल गेला अख्खा केला मो हात बदलत तो निघाला आमची काम आहे अख्खा इथे एक काम करया ना असले ना तो उलट निघाला काय झालं ओचो पडलो जहाज आहे
Saya juga.